सो हे गाइस, दिस इज़ सुरजीत और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं एंटोर का इंजन ऑयल और गियर ऑयल चेंज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे ऑडोमीटर पे 17,900 कुछ रन कर चुका है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइज़, मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ मोटिल का 10W30 और ये एक मिनरल इंजन ऑयल है और उसके साथ मैं कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल यूज़ करने वाला हूँ जो है 80W90। तो यहाँ पे मैं दो सॉकेट यूज़ करने वाला हूँ, इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए 16mm और गियर ऑयल ड्रेन करने के लिए 13mm। तो गाइज, सॉकेट के ज़रिए आपको ये जो नट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये लूज़ हो जाएगा और आपको ऑयल ड्रेन करके 5-10 मिनट तक रुकना है, तो पूरा ऑयल जब तक ड्रेन ना हो जाए। तो यहाँ पे जो मोबिल का फिल्टर है वो लगा देंगे हम और इंजन ऑयल ड्रेनेज का जो कैप है उसको भी लगा देंगे। तो अभी हम गियर ऑयल का जो नट है उसे भी लूज करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये नट जो है ये लूज़ हो जाएगा और इसे भी 5 या 10 मिनट तक आपको रख देना है पूरा ऑयल ड्रेन होने तक। तो यहाँ पर एक होल है, तो यहाँ से आपका जो गियर ऑयल है इसको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको 120ml गियर ऑयल चाहिए। तो ये गियर ऑयल फिल होने के बाद यहाँ पे नट लगा के आपको फिर टाइट कर देना है। तो यहाँ पे आपको फनल के ज़रिए इंजन ऑयल फिल करना है, तो मैं यहाँ पे 900ml इंजन ऑयल फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंजन ऑयल चेंजिंग का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। तो अभी एक लास्ट काम बाकी है, वो है मीटर का जो मेरा सर्विस सिंबल आता है उसको बंद करने के लिए। तो पहले आपको ओडोमीटर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद मोड और सेट बटन को एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा कुछ देर तक, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक टिल देन बाय।